मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पदस्थ महिला एएसआई से दुष्कर्म के मामले में पुलिस विभाग ने फरार एएसआई पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। साथ ही हरदा एसपी ने आरोपी एएसआई उमेश रघुवंशी को निलंबित भी कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए हरदा एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला एसआई का आरोप है कि उमेश से उसकी पहचान हरदा शहर कोतवाली में ट्रेनिंग अवधि के दौरान हुई थी। उमेश ने काम सिखाने के बहाने उसे जान पहचान बढ़ाई। फिर एक दिन तबीयत खराब होने पर आरोपी उसके घर पहुंचकर डॉक्टर से जांच कराने के लिए ले गया, जिसके बाद दवाई लेने पर पीड़ित को नींद लगने लगी। फिर सुबह जागने पर उसे खुद के साथ दुष्कर्म का पता चला।